हाँ ध्यान दो बच्चों, चलो उठ जाओ, उठो जल्दी से, पटकन उठा। हाँ आफ्टरनून चल रहा है, कर दो शुरू, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड। सुर ज़्यादा नहीं तानना है, ज़्यादा तानने के बाद रबर टूट सकता है कि नहीं। हाँ बैठते वक्त, हाँ बैठते वक्त आवाज़ इतनी आनी चाहिए। बैठो, बहुत बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑसिलेशन का अपना चल रहा है, ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 का मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 2। हाँ लिखा जाए, राइट डाउन डिफाइन लीनियर SHM ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन इट्स की जगह ऐसा करो, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। अभी आपके सिलेबस पुराने जमाने में केवल लीनियर SHM का ही डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, अब एंगुलर SHM का भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। और आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल में जब पेपर हुए थे बच्चों के, कोविड के बाद जो भी पेपर हुए पहली बार, उन पेपरों में एंगुलर SHM का पूछा गया था, ठीक है, एंगुलर SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था। तो लिखा जाए, डिफाइन लीनियर SHM, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये सवाल संख्या क्रमांक नंबर 2 ही चल रहा है बच्चों? और एक सवाल अपन पढ़ लिए थे, सवाल था डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है ना? हाँ, केवल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना था, यही पढ़े थे। इसके अलावा और कुछ पढ़े हुए हैं? नहीं, ये शायद सेकंड क्वेश्चन ही चल रहा है। और अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखा जाए, राइट डाउन आंसर। आपको डेफिनेशन तो पता है ना, तो डेफिनेशन तो लिख लो, बाद में मैं लिखवा के देता हूँ सब। लिखा जाए, राइट डाउन आंसर में लिखो, टाइटल डालो लीनियर SHM, टाइटल डालो लीनियर SHM, टाइटल मारो लीनियर SHM। क्या लिखना है? लीनियर SHM, उसके बाद ये दो टिम्ब लगाओ, हाँ उसके नीचे की लाइन में लिखो, उसके नीचे की लाइन में लिखो। व्याख्या क्या थी? द लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल, द लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल इन विच डैश नंबर 1। ए संस्कार बाहर कौन बात कर रहा है देख तो, सिद्धू, हाँ ठीक है, बाहर थोड़ा सा नॉइज हो रहा था इसके लिए पॉज किया था। आपने डेफिनेशन लिखा है, द लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच डैश नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और नंबर टू द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन
एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू इट. द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू इट. इट इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर SHM. हो गया. अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सिद्धवेद एक फ्रेम में है क्या, इधर ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा था, मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, क्या है और रिजिड सपोर्ट पर हमने कोई स्प्रिंग बांध दिया, क्या बांध दिया, स्प्रिंग बांध दिया, और कोई बच्चा मान लो स्प्रिंग को खींच ले, कोई बच्चा स्प्रिंग को खींच ले, जैसे ही बच्चे ने स्प्रिंग को खींचा स्प्रिंग फैल गई, स्प्रिंग क्या हो गई, फैल गई. मान लो स्प्रिंग का मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन एक्चुअल पोजीशन है उसका, मेन पोजीशन से स्प्रिंग इतना डिस्प्लेस हुई, यक्स डिस्प्लेस हुई, क्या हुई, यक्स डिस्प्लेस हुई. स्प्रिंग जब यक्स डिस्प्लेस हुई तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स तैयार होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या चाहेगा, स्प्रिंग को वापस ले जाना चाहिएगा. मान लो हमने उस दीवार पे स्प्रिंग बांध दी, स्प्रिंग को बांध के हमने खींच लिया, जोर से खींचा, मान लो बाहुबली ने खींचा, बाहु तूने मान ले खींचा, तूने इतनी ताकत लगाई कि अब तेरी पूरी ताकत खत्म हो गई, अब तेरी पूरी ताकत खत्म हो गई, इतना तूने उसको खींच लिया कि मान ले अब क्या बच्चे हैं, अब तेरी और क्षमता नहीं रही उसको खींचने की, अब इतना फोर्स तूने उसके ऊपर लगाया हुआ है कि तेरी फट सकती है चप्पल, तेरी चप्पल फट, अरे फोर्स इतना ज्यादा है, चप्पल गालना नहीं, ओके ठीक, पैंट फट सकती है, कुछ ना कुछ फटेगा, ध्यान दे इधर, तूने इतना जोर से खींचा हुआ है कि अब स्प्रिंग तेरे ऊपर फोर्स लगा रही है पीछे के डायरेक्शन में, तू स्प्रिंग को खींचा तो आवाज निकल रहा है, ओ माय गॉड, अबे बाहु ऐसे आवाज निकलेगा ना, नहीं अबे तू धक्का देता है तो भी आवाज निकलता है, सुबोध को जान दे देते, लेट इट बी, इधर ध्यान दो, आपने स्प्रिंग को खींचा, अब स्प्रिंग आपको खींचेगी पीछे की तरफ, जब स्प्रिंग को आपने खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स तैयार हुआ, उस फोर्स को अपन बोलते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, RF. आपने अभी तक GF पढ़ा होगा, आपने अभी तक JP पढ़ा होगा, ओके ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ होगा, एक नया फोर्स आ गया अब RF. RF का मतलब क्या, रिस्टोरिंग, यानी वो बॉडी को रिस्टोर करना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाते हैं आपको, बताइए बोतल जरा, नहीं नहीं वही 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 ये उससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, कैसा है, इससे भी हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन डर लग रहा है बोतल वाटर फूट ना जाए, ध्यान दो बोतल दिखाई दे रही है, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या लगाया, क्या बॉडी के शेप एंड साइज में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं ठीक है, थोड़ा सा बदलाव हो रहा दिखाई दे रहा है, शेप एंड साइज में क्या हुआ, बदलाव हुआ, चेंज हुआ, जैसे ही शेप एंड साइज में बदलाव होगा, जैसे ही शेप एंड साइज में बदलाव होगा, इसके अंदर एक फोर्स तैयार होगा, वो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, हम जैसे ही ये फोर्स छोड़ दें एक्सटर्नल फोर्स, वैसे ही अंदर का फोर्स बॉडी को फिर से क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा. दूसरी बोतल बताओ कोई, दत्ती का दी, हाँ बताओ,
फेंको फेंको, हाँ ध्यान दो। मान लो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ध्यान दे, एक तो तू त्या कोंबड्या सारखी कटिंग करून आलास, माणसासारखी तर माणूस करून येत आहे बे, तू आलास त्या मानकाट्या कोंबडी सारखी कटिंग करून। मुर्गी पता है जिसको बाली नहीं होते, एक तो तू वैसे दिख रहा है और उसके अंदर बैठे बैठे तू तेरे तेरे दिमाग के कमेंट्स झाड़ रहा है। अभी ध्यान दे, ठीक है, भ्रमण धोनी का याद है ना, मगाशीच लक्षात है ना, फोनच, हाँ वाइब्रेट झालं कीच कळून तुला पुन्हा फोन आला म्हणून, हाँ तस नाही करे, इट ध्यान दे, ध्यान दो। मैंने इसको वेरी गुड, इसको मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, क्या इसकी शेप एंड साइज बदल गई, जैसे ही मैं फोर्स हटा दूं वैसे बॉडी फिर से क्या कर रही है, बॉडी की शेप एंड साइज रिगेन कर, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, कैच करो, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग को जब अपन खींचेंगे तो स्प्रिंग वापस जाना चाहेगा। देखो स्प्रिंग जाना चाह रहा उधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं। तो हमने कहा बच्चों लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन है जो कि लीनियर होता है, पीरियडिक होता है, ऑसिलेटरी होता है। ऑसिलेटरी का मतलब समझ रहे हो, जो ऑसिलेशन परफॉर्म करे, जैसे हम स्प्रिंग को पकड़ेंगे और खींचेंगे ना, स्प्रिंग धबक 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 होगा स्प्रिंग का मोशन। अरे मान लो ये बावड़ी है, व्हाट इज दिस बॉडी, इस बॉडी को मैं जैसे फोर्स अप्लाई करूं, मोशन देखो, मोशन दिख रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन तक, एक पर्टिकुलर लाइन तक, इधर 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 इधर, ये तालबद्ध मोशन है, कैसा मोशन है, यू 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 यू, यहां से निकलेगा मैक्सिमम पोजीशन, जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, रुक जाएगा। झूला देखे हो, झूला तुम्ही झोक्यावरती कधी कधी जे जे बसले त्याला पाठीमागे घेऊन येता आणि जोरा झोका देता, त्याच्या सगळं ते पडते तिकडे होता है, अगर नहीं गिरा, नहीं गिरा, हाँ अबे वो तो छोड़ो, कभी कभी तो आप उसको जब ऊपर उठा दो ना ते गेला मागच आणि झोकाच दिला तुम्ही ढकलून पुढं, ऐसे भी होता है आमतौर पर। लेकिन अगर मान लो नहीं गिरा और झूले को आपने फेंक दिया, तो झूला एक हद तक, मान लो ये झूला है, झूला एक हद तक आगे जाएगा, पीछे आएगा, लेकिन उसी हद तक नहीं आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी वो यहां तक अगर गया, मान लो यहां से निकला तो वापस आएगा, तो यहां आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, यहां तक, यहां ऐसे नीचे नीचे नहीं आ रहा वो, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसे करते करते वो रुक जाएगा। बाबू सही है क्या गलत है, वेरी गुड। तो ऐसा होता है आमतौर पर जनरली, ये मोशन तालबद्ध मोशन है, कैसा मोशन है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने फोर्स लगाया उतना रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जमा हुआ और उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना, जितना डिस्प्लेसमेंट कम डिस्प्लेसमेंट भी कम, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स ज्यादा लगाया, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा पैदा हुआ। अच्छा ध्यान दो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, किसका फोन है वो, अरे सुबह में ही मैंने बताया, आवाजें अच्छी तो रखो, मैं याच्याकडेच पाहिलो, हे कुठून आवाज काढायला सुरू,
अरे पहले त्याचे केस कुरडे आहेत म्हणलं चिमण्या गिमण्या येऊन बसल्यात का काय त्यालाही पता नाही. अरे बंद करो ऐसे पंछी वंछी आना कुछ भी काय करा. ध्यान दो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पहला मुद्दा. दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होगा. मान लो ये स्प्रिंग जो कि यहां तक थी, ये बच्चे ने स्प्रिंग को दबा दिया. आता लगेच नको बदलू, लगेच बदलण्याची काय आवश्यकता नाही. वो भी बदल रही तो वो भी ते झुळझुळ झुळझुळ नको ठेव, बदलू ही मत ना अभी फिलहाल. अब साइलेंट करके रख दो उसको. हाँ वेरी गुड, साइलेंट करके रख दो, वीडियो लगा दो. इधर ध्यान दो, मान ले बच्चे ने दबा दिया स्प्रिंग को. जब स्प्रिंग को ये बच्चा दबा देगा, बहुत जोर से जब दबाएगा स्प्रिंग, जैसे दब जाएगा स्प्रिंग उसको क्या करेगा, फेंकने की कोशिश करेगा वापस. यानी स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होगा बच्चों, यहां तक स्प्रिंग था, बच्चे ने इतना उसका क्या करा, डिस्प्लेसमेंट. अब स्प्रिंग दबने के बाद स्प्रिंग किस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हुई उसके, इसलिए अपन लेते हैं यहां पे माइनस साइन. क्या लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू इच अदर. इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर वन, ये हमें पता है. आपको हमने कई बार समझाया है कि अगर ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो इक्वल उठाओ, क्या उठाओ, इक्वल, और इसके गुणा में एक लेना है कोई ना कोई कांस्टेंट. इसके गुणा में क्या लेना है, गुणा में लेना है कोई ना कोई कांस्टेंट. तो आपने माइनस एक्स इंटू एक कांस्टेंट लिया, इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया के. क्या नाम दिया, के को बोलते हैं बच्चों फोर्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट. आप रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इन जनरल उसको फोर्स कांस्टेंट अपन बोलते हैं. तो एफ इज इक्वल टू आया माइनस के एक्स. बैच हम जानते हैं मोशन में फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मा, मा का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन. मास मैंने लिखा एम, इंटू एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बट अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैंने कहा यही हो जाएगा एम इंटू डी बाय डी टी ऑफ वी. What is v? V is velocity and velocity is rate of change of displacement with respect to. यही हो गया m into d डी स्क्वेयर x by dt का square. This is double derivative. This is double derivative of displacement. Double derivative of displacement is nothing but derivative of displacement with respect to time is velocity. Derivative of velocity with respect to time is double derivative of displacement with respect to time is acceleration. तो हमने फोर्स की कीमत को रिप्लेस करें, पुट एफ इज इक्वल टू यहां पे फोर्स की कीमत रख दिए, तो एम इंटू डी टू एक्स बाय डी टी का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. ये के इंटू एक्स, एम को मैंने उधर भेजा तो यह आया डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर. देखो इसको मैं यम को उधर भेज रहा हूं तो ये हो गया माइनस के बाय एम इंटू एक्स. नाउ पुट माइनस के बाय एम इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वेयर, वेयर डब्ल्यू इज एंगुलर वेलोसिटी. फ्रेम में आ रहा है सिद्धू, ओके नीचे तक ले लो फ्रेम में. अब यहां पे दिख रहे हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं, फिर इसको मैंने ओमेगा से रिप्लेस किया, ओमेगा स्क्वेयर से. तो मैंने कहा यह हो जाएगा डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, ध्यान दो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स. इसी को मैंने लिखा दैट इज डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, इसको इधर ले लिया प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर दोन. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. खत्म, टाटा गुड बाय. गया, हर गए साल को दो मार्क को पूछते हैं, कितने मार्क को, दो मार्क को, या तो ये पूछेंगे या तो पूछेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का. ओके दो मार्क को फिक्स है, उतार लो अच्छे से. डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, बोलो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पंचर चीज थी. ओके
एक झटके का काम था। एक तो हमें पता था कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या चीज़ बोलो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होते तो अपन माइनस लेते हैं। एक मुद्दा खत्म हुआ। हमने कहा एफ इज इक्वल टू, इसको उड़ाना है माइनस एक्स इंटू एक कॉन्स्टेंट लो, उस कॉन्स्टेंट को अपन नाम दिए के को बोलते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट। हमने बोला लेकिन फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये माइनस के एक्स एज इट इज जैसे के वैसा। हमने कहा लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होती है, तो हमने कहा डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमने कहा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, इस एम को उधर भेज दिए तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स हुआ। इस के बाय एम को हमने ओमेगा का स्क्वेयर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ओमेगा का स्क्वेयर सब्सटीट्यूट करने के बाद ये हुआ डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, इधर आया माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, उसको इधर ले लिए तो हो गया प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक। लिखो एक सवाल, स्टेट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इधर ध्यान दो, इतने सवाल पे इधर ध्यान दो। शब्द क्या इस्तेमाल किया है, स्टेट क्या इस्तेमाल किया है, कभी भी याद रखना स्टेट शब्द अगर सवाल में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है केवल बताओ, यानी केवल लिखो, समझ रहे हो, कैसे डिराइव करना है ये नहीं पूछा, कैसे बनता है ये नहीं पूछा, डेरिवेशन पूछा है क्या, डेरिवेशन नहीं बताना है कभी भी, स्टेट शब्द दिखा ना तो डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम नहीं है वो। स्टेट का मतलब होता है केवल बताओ कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये केवल बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे हो स्टेट का मतलब। ओके क्वेश्चन मार्क सामने लिखो, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन मार्क सामने लिखो। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर, obtain expression for acceleration of a particle, acceleration of a particle performing SHM, performing SHM, also derive the expression, also derive the expression for velocity and displacement of the particle, also derive the expression for velocity and displacement of the particle performing SHM, performing SHM, okay question mark। आपको पूछा है स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM और बोले हैं कि एक्सप्रेशन निकालो एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिराइव करो बोले, हाँ समझ रहे हो, ये डिराइव करो बोले। अच्छा ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, और लिखो एट व्हाट पोजीशन, और करके लिखो, ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, लिखना है ओके, बोर्ड में अलग अलग तरीकों से ये पूछा गया है, और करो एट व्हाट पोजीशन इज द एक्सेलरेशन, एट व्हाट पोजीशन इज द एक्सेलरेशन कॉमा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कॉमा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, इज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टेट देयर, स्टेट देयर मैग्नीट्यूड्स, स्टेट देयर मैग्नीट्यूड्स। अभी तो ध्यान दो बच्चों, सवाल लिख लिए,
आपको बोले स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोले स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन, और सामने क्या बोले हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो। हमने बोला आंसर, हमने क्या बोला आंसर, लिखना नहीं है ध्यान देना है। हमने बोला वी नो, क्या बोला वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आप लीनियर या सी एच एम लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम इज, क्या होती है बच्चों डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, होती है, गौर करोगे तो ये जो टर्म है हेयर डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर कौन है बोलो, एक्सेलरेशन, यही तो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कोई तो परिवर्तित कर करके अपन इसमें कन्वर्ट किए थे, तो यही एक्सेलरेशन है। तो हमने कहा देयर फोर एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर भेज दिए, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ये आया एक्सेलरेशन, खत्म, टट्टा, गुड बाय, गया। दो मार्क के लिए गलती से अगर केवल एक्सेलरेशन निकालो बोला तो आप लकी हैं, लेकिन दो मार्क के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालो बोला तो आपके इतना अनलकी, क्योंकि आपको जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ता है, साथ में वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है और साथ में फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ता है। अगर दो मार्क के लिए केवल आपको बोला कि वेलोसिटी निकालो तो भी चलता, एक्सेलरेशन निकाल के ये निकालना आसान है, लेकिन दो मार्क के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान नहीं है, क्योंकि यहां से आपको जाना पड़ता है, यहां से जाना पड़ता है यहां, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो ध्यान दो, हमने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको बोलेंगे इक्वेशन संख्या क्रमांक नंबर वन, इसको बोलेंगे इक्वेशन संख्या क्रमांक नंबर वन। हमने बोला ये जो एक्सेलरेशन है इसकी मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे कीमत क्या होती है, तो अगर आपको पता होगा मैं अगर कहूं कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये उसकी क्या होती है मेन पोजीशन, क्या होती है उसकी मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये क्या होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या होती है बच्चों इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल यहां से अगर निकला और कहीं पे आके रुक गया, मान लो थीटा पे, कहां पे आके रुक गया थीटा पे, तो ये जो डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया उस पार्टिकल के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं यक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब मैक्सिमम हो जाए यानी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आए तो उसको अपन क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी यक्स की कीमत यहां पे कितनी है ए के बराबर एक्सट्रीम पोजिशन पे, और इधर की तरफ अपन पकड़ते हैं यक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक तरफ पकड़ते हैं प्लस ए तो एक तरफ पकड़ते हैं माइनस ए, इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड का मतलब है मेन पोजिशन से पार्टिकल कितना दूर गया इधर या कितना दूर गया इधर, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को अपन इंडिकेट करते हैं ए से, किससे द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो कितना एम्पलीट्यूड चलेगा, फोर ए के टू ए, फोर ए के टू ए, फोर के टू, फोर के टू, फोर के टू, फोर के टू, फोर कैसे कैसे, पार्टिकल यहां से निकला मैक्सिमम डिस्टेंस आया ए के, यहां से वापस आया फिर ए के, यहां से वापस गया ए के, और यहां से जब वापस आएगा ना
तब जाके उसने क्या कवर किया, एक रिवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो कितनी ये 4A। ओके, समझा करो बातों को, ठीक है, ध्यान दो। हमने कहा एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे एक्स की कीमत क्या है, एक्स कितना डिस्टेंस कवर किया, जीरो। मीन पोजीशन पे कितना, एक्स जीरो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू ओमेगा स्क्वायर जीरो। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम के मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम के मिनिमम, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर एक। नंबर दो, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए, वो ए हो सकता है प्लस ए या माइनस ए हो, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन उधर वाली चला गया तो प्लस ए, पीछे वाली चला गया तो माइनस ए, तो हमने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस, एक्स की कीमत क्या प्लस माइनस ए, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये क्या होगा माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। दिस इज, ये दिस है ना, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात चमकी, तो बोलो एक्सेलरेशन दिख तो रहा है लेकिन यहां तक, ठीक है ना, ध्यान दो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कहां पे होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ना तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, वहां से जैसे निकलेगा वो, वहां से जैसे ही निकलेगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। ये बताओ सूत्र, ध्यान दो, दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान दो, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, यहां से निकला, ये जब एक्सट्रीम पे जा रहा है ना बच्चों, एक्सट्रीम पे उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, वहां से घटते 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 यहां पे कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो होकर फिर से इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कहां पे हो जाएगा एक्सट्रीम पे, और वहां से फिर से घटते 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 वापस जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम। अच्छा व्हाट अबाउट वेलोसिटी, अंदाजा लगाओ, हालांकि पढ़ने वाले हैं आगे, अंदाजा लगाओ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम के मिनिमम जीरो, क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो ये आगे बढ़ जाएगा, और यहां पे आके रुक क्यों रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो, यानी यहां पे वेलोसिटी कितनी होती है जीरो, यानी मिनिमम, यहां पे मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे, और यहां से जैसे ही शुरू होता है बढ़ते 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 मीन पे क्या होगी वेलोसिटी ज्यादा, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम से फिर से कम 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 जीरो, जीरो से फिर कम 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 जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, कौन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से, ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं उल्टे, एक्सेलरेशन लिखो फिर वेलोसिटी लिखवा के देता हूं, लिखो, ध्यान दो बच्चों अब एक्सेलरेशन समझ में आया, एक्सेलरेशन की दो बातें हमने जानी, क्या एक्सेलरेशन का फार्मूला है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या है एक्सेलरेशन का फार्मूला मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, असल में उसको बोलेंगे एक्स ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर तो यहां पे मिला अपने को मैक्सिमम वाला, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक है मिनिमम एक्सेलरेशन मिनिमम जो कि कितना है जीरो, एक है एक्सेलरेशन मैक्सिमम वो है ए ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक, इधर ध्यान दो,
ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम कहाँ पे मिला हमें? एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये कहाँ पे मिल रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और ये कहाँ पे मिल रहा है? मेन पोजीशन पे। ठीक, ये हुई एक्सेलरेशन की बातें। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी। बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। मैंने कहा बच्चों, प्यारे मित्रों, मैंने कहा एक्सेलरेशन मित्रों माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर है। पहले मित्रों मैं ट्रेन में चाय बेचता था, अब मित्रों मैं ट्रेन ही बेचने लगा। आदरणीय भैया की कृपा है ऊपर से, भैया दयावान निकले, पूरा देश बेचने निकले। ट्रेन बेचते बेचते मित्रों भाई साहब पूरा देश ही बेचने लगे, है कि नहीं? आ जाओ मुद्दे पे। मैंने कहा एक्सेलरेशन के इक्वेशन को हमने कहा था नंबर एक, ध्यान दो, वहीं से कंटिन्यू आगे चल रहे हैं अपना, समझ रहे हो? जहां तक आए थे ना अपन, वहीं से आगे चलना है। अब हमें वेलोसिटी, अब हमें क्या निकला है? वेलोसिटी। मैंने कहा वी नो, अरे पता हो ना हो, लिखना है वी नो। हमें सब कुछ पता, पढ़ने वाले को भी फील आना चाहिए कि भाई बहुत पढ़ा लिखा दिख रही है ना। हाँ, इससे पंगा लेना आसान मामला नहीं होगा, ऐसा उसको भी लगना चाहिए। और उतना तो फेंकने का अपन सब लोग सीख रहे हैं अभी 2014 से, फेंकने का ज्ञान तो अपने को भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? आपको यकीन नहीं होगा बच्चों, कभी 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 सही में शर्मसार हो जाते हैं हम। पूछो क्यों? हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में हम अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे या क्रोम में जाके यानी गूगल पे जब शब्द डालते हैं गलती से फेंकू, देश के पीएम का फोटो सामने आ जाता है। डाल के देखो यूट्यूब पे डाल के देखो। इतना बुरा लगा हमें इधर ध्यान दो, F E K U डाला, इतना बुरा लगा हमें। ये देखो, और यही पे नहीं, गूगल पे भी डालोगे तो देश का पीएम। कितनी भयानक बात है। अच्छा चलो, अपना अपना काम करो, अपना लगा के रख दो। हाँ तो चलो, फेंकने का ज्ञान अपना बढ़ रहा है, 2014 से अपन सक्षम हो रहे हैं, देश अपना सक्षम बन रहा है फेंकने में। अभी ध्यान दो, मुझे तो कई बार ये शक हुआ कि नीरज चोपड़ा है ना, भाला फेंक में पहला आया, कहीं उसके पीछे भी मोटिवेशन मोदी साहब तो नहीं थे? इतना फेंक फेंक के वो भी शायद मोटिवेट हो गए कि भाई साहब ने भाला इतना तेज फेंक दिया कि रिकॉर्ड बना दिया। आ जाओ मुद्दे पे। हाँ, आते हैं मुद्दे पे। हमने कहा वी नो, हमने कहा हमें सब पता, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने आपको एक तरकीब सिखाई थी, एक फार्मूला सिखाया था कि कभी कभी जरूरत गिरने पे अपन डीवी बाय डीटी को डीएक्स बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डीएक्स बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई। कोई बुरा तो नहीं मान गया बच्चों? नहीं ना, मिटा दूं ये? हाँ ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो मैंने क्या करा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बाजू में किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू dx बाय dt को बाजू में किया, बचा कौन? dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। गौर करो, अरे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम
वेलोसिटी तो मैंने कहा यह है वेलोसिटी इंटू डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने कहा वी डीवी को इधर ही रखो, वी डीवी डीएक्स को उधर भेजो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। हमने बोला इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यह आया इंटेग्रेशन ऑफ वी डीवी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इंटेग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। अरे इंटेग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स क्या, एक्स रेस टू एन का इंटेग्रेशन क्या, हाँ एन के ऊपर एक्स के ऊपर एन होगा तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसके ऊपर कितना है वन, तो वन का क्या हो जाएगा एक्स रेस टू टू डिवाइडेड बाय टू, क्या बात चमकी, इधर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, और ये इनडेफिनेट इंटेग्रेशन है, क्या डेफिनेट है, इनडेफिनेट, डेफिनेट होगा तो प्लस, कुछ भी नहीं आता था, ये डेफिनेट नहीं है तो प्लस कौन आएगा सी कांस्टेंट। अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू कहां पता है हमें, पता है कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है वीनो, क्या पता है वीनो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है जीरो, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी है जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस ए, प्लस यही पकड़ लो क्योंकि एक्स का स्क्वायर होने वाला है तो एक्स इज इक्वल टू ये पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा वेलोसिटी तो है जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी हो गई जीरो एक्सट्रीम पोजीशन पे, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स की कीमत क्या है वहां पे ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस सी, इसको इधर भेज दिया तो सी इज इक्वल टू ए माइनस का प्लस हो गया, इसको हमने कहा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय टू। ये फ्रेम में है कि वो फ्रेम में है, ये है ध्यान दो। मैंने कहा देयरफॉर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट की कीमत मिली हमें, कांस्टेंट की कीमत क्या मिली ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय टू। मैंने कहा देयरफॉर यहां पे कीमत रख देते हैं यहां पे इन इक्वेशन टू, क्योंकि इक्वेशन वन मुझको लगता है हमने उसको कहा था, देयरफॉर फ्रॉम टू इक्वेशन दो में सी की वैल्यू रख दो तो यही हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू, वो कौन है, वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, सी की कीमत क्या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। देखो सबके बटा में टू 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 है, यहाँ का टू टू अगर कॉमन निकाल लूँ इधर का तो इक्वल के इधर वाला टू और इधर वाला कॉमन वाला टू कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है किसी को कि इधर दो टू कैंसिल कर रहा हूँ, इधर एक ही टू कैंसिल कर रहा हूँ, अरे ये प्लस में तो उसमें से कॉमन निकाल लिया, कॉमन वाला टू और इधर का टू कैंसिल, तो इधर बचा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला बच्चों, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे प्लस वाली टर्म है कौन बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाली टर्म है कौन बचा माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बात चमकी। तो मैंने कहा देयर फोर वी इज इक्वल टू, वी की कीमत मुझको मिली, मैं स्क्वायर को उधर अगर भेज दूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस ओमेगा को मैं अगर बाहर निकाल दूँ स्क्वायर रूट के तो स्क्वायर रूट के बाहर ओमेगा आ जाएगा और प्लस माइनस ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा की कीमत स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगी प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी कीमत मिली हमें वेलोसिटी, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर तीन, दिस इज एक्सप्रेशन, ओके शॉर्टकट लिख रहा हूँ आप पूरा लिख लेना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक, यह है परफॉर्मिंग पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिख लोगे अच्छे से। अब ध्यान दो इसमें मुद्दा नंबर एक, क्या एट मीन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू कितना जीरो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कौन बचेगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो यही कीमत हो गई प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गई ए ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्या हो गई प्लस माइनस ए
ओमेगा। हालांकि मैं इसको इसको बाहर निकलने की वजह से माइनस प्लस भी लिख सकता हूँ, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा हो जाएगी। ओके, क्या ये वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर दो, सिद्धू आर्य के फ्रेम में ध्यान दो, एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस ए। तो एक्स इज इक्वल टू जब ए हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू देखो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, यह है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन एक्स क्या है ए, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जीरो, जीरो इंटू सब जीरो। दिस इज मिनिमम, क्या मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहां पे, एट एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन पे ये वेलोसिटी मिनिमम होती है और यहां पे मैक्सिमम होती है। अब गौर करके देखो एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया बोलो, वो आया प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट मीन पोजिशन। वेलोसिटी एट मीन पोजिशन इज इक्वल टू मीन पोजिशन पे क्या आया, मीन पोजिशन पे क्या आया, मीन पोजिशन पे आया ए ओमेगा, ए ओमेगा, उसी को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस ए ओमेगा। ये क्या है मैक्सिमम, और वी एट एक्सट्रीम पोजिशन वो कितनी होती है जीरो, ये क्या है मिनिमम। ओके, यहां पे कंपेयर करके देखो, एक्सेलरेशन जीरो था कहां पे, मीन पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम था, यहां पे मैक्सिमम है मीन पे और एक्सट्रीम पे जीरो है मिनिमम है। ओके, उतार लो, समझ में आए, उतार लो। अभी और एक एक्सप्रेशन बाकी है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो दो मार्क के लिए अगर पूछता है तो अच्छी बात, नहीं पूछा तो हाँ अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, आखिरी मुद्दा पढ़ लेते हैं। आखिरी मुद्दा क्या है, हमने लिखा एक्सेलरेशन, उसके बाद हमें क्या मिला वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या मिली बोलो, वेर इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इन मैग्नीट्यूड अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट। ओके, आए यहां तक, अब इतने ध्यान दो, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अगर तीनों के तीनों पूछे तो आमतौर पर तो आपको तीन मार्क को पूछेगा, कितने मार्क को पूछेगा, कभी कभी नसीब फूटा हुआ रहा तो दो मार्क को भी पूछा गया। अपना तो फूटा हुआ ही है भाई, है कि नहीं, तो अपने को फूटे हुए नसीब के हिसाब से आएगा। चलो ध्यान दो, मैंने कहा वी नो, अरे पता हो ना हो, अपन बोलेंगे पता है वी नो। वेलोसिटी होती है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, पर वेलोसिटी क्या है, मेरे पास वेलोसिटी है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आई आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मैं क्या कह रहा हूं डीएक्स बाय डीटी। एक्स वाले टर्म डीएक्स की तरफ भेज दो और डीटी को इधर भेज दो, तो डीटी इधर आया, ओमेगा डीटी इज इक्वल टू डीएक्स बटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, मैंने क्या करा बच्चों, ये जो dx बटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू ओमेगा dt, मैंने कहा इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटेग्रेट किया, तो इधर का इंटीग्रेशन लिया, इधर का इंटीग्रेशन लिया, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओए होए होए होए, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इंटेग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, क्या होता है बोलो, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ये है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a का फार्मूला, इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटेग्रेशन ऑफ dt इज
टी, अरे इंटेग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या एक्स, इंटेग्रेशन ऑफ डीवाई क्या वाई, वैसे इंटेग्रेशन ऑफ डीटी क्या टी, तो ये हो गया ओमेगा इंटू टी प्लस, ये भी डेफिनेट इंटेग्रल नहीं है तो प्लस सी आएगा, तो सी की जगह अपन यहां पे इस्तेमाल करते हैं अल्फा का, किसका अल्फा का, मैंने कहा ये साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो एक्स बटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाके हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो यही हो गया एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज एक्सप्रेशन। कितना नंबर था, मुझे लगता है इसको मैंने तीन नंबर दिया था शायद, सही है, यह है चार नंबर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, ए लिख तो पाओगे ना, मैं बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, दिस ये क्या है इज फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप बोलो मुझको अल्फा भी चाहिए अल्फा, लेकिन ये दो जगहों पे अलग अलग मिलेगा, मैंने कहा एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की कीमत क्या ए, एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स ये होता है, क्या मैं कहूं एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, अरे मेन पोजीशन पे उसकी वैल्यू कितनी है एक्स की जीरो, और एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है ए प्लस ए या माइनस ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे ही वो मैक्सिमम होता है, ये लिखने की आवश्यकता अब है नहीं, लेकिन अपन निकाल रहे हैं अल्फा की कीमत, तो एक्स इज इक्वल टू ए विच इज क्या है मैक्सिमम, ओके एक्स की कीमत एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, पहला मुद्दा समझ में आया। दूसरा मुद्दा, मैक्सिमम पोजीशन पे जाने के बाद पार्टिकल रुकता है थोड़ा सा और फिर मोशन शुरू करता है, यानी टाइम वहां पे जाके क्या होता है जीरो, पार्टिकल रुक गया अब टाइम वहां से फिर से शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने कहा मैक्सिमम जब एक्स इज इक्वल टू ए हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो टी की कीमत क्या होती है जीरो, तो हमने कहा देयरफॉर इसमें वैल्यूज रखे हमने जीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस अल्फा, देखो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहां पे बचा ए साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो यही बचा साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन की जीरो वैल्यू कौन से एंगल की है जीरो वन बाय टू वगैरह 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 जीरो की है, अरे ध्यान तो दिया करो एक्स इज इक्वल टू ए है ना बच्चों, कुछ भी बोलते रहे तो कब बोलते बोलते भी नहीं बोलते बोलते हम बोलते कब बोलते ध्यान दो, अरे एक्स की कीमत ये है ना बच्चों, तो हमने रखा ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी तो हो गया जीरो, मैं सुबह से 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूं 6:30, अभी कितने बज रहे हैं 5, क्या हुआ हाँ नहीं बीच में गैप भी लिया था मैंने, लेकिन जब गैप लिया था तब भी मैं बात ही कर रहा था, तो वहां से अभी तक अभी मैं वो बोलते ना एग्जॉस्ट हो गया वैसा हो गया अभी, इधर ध्यान दो, तो मैंने कहा ये साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाई ए 1, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन की कौन से एंगल की कीमत 1 है 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1 1 हाँ सिद्धू याद है ना 1, तो हमने कहा अल्फा की कीमत होगी 90 यानी पाई बाय 2, देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू आएगा बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मुझको बोलो याद से साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, अरे साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 इस लाइन पे गुड कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा कौन ओमेगा टी, यानी जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है
उसकी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया जाता है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी से। बात चमकी इतनी? ओके, उधर जगह ये फ्रेम में है क्या? देख, हाँ यहीं पे लिखता हूं। अब ध्यान दो बच्चों, एट मीन पोजीशन x की कीमत क्या? जीरो। और मीन पोजीशन पे टाइम भी क्या होता है बच्चों? अरे जीरो से ही तो शुरू करा है पार्टिकल घूमना, जीरो से शुरू करेगा फिर आएगा जाएगा राइट। तो हमने कहा टी भी जीरो x भी जीरो, तो फिर से इस एक्सप्रेशन में रख दो अपने x के, तो ये आया जीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस अल्फा। ये हो गया जीरो इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये हो जाएगा जीरो इंटू अल्फा, यानी हो जाएगा ए साइन अल्फा। इधर कौन है? जीरो, ए को डिवाइड कर दिया तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आया? जीरो। साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डिग्री। डिग्री को या रेडियन को? जीरो रेडियन। बात चमकी? साइन की जीरो कीमत किसकी है? जीरो की। तो यह आया जीरो, यानी एट मीन पोजीशन अगर हम कहें यक्स क्या है, तो एट मीन पोजीशन यक्स की कीमत होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, यानी ए साइन ओमेगा टी। यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब अपन वेव के चैप्टर पढ़ेंगे ना, मोशन वाले, वेव मोशन वगैरह वगैरह, तब मैं आपको पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, और एट मीन पोजीशन, और अगर केवल मैं पूछू कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, उतार लो, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। इतना ही है, अब आज के दिन इतना ही लेक्चर खत्म करते हैं।